आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रांची हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है और उन्हें डोरंडा कोषागार मामले में जमानत मिल गई है। साथ ही लालू को 10 लाख का फाइल भी किया गया है। लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत से जमानत मिली। आपको बता दें कि डोरंडा मामले में कसूरवार लालू को 5 साल की सजा हुई थी और लोअर कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज दिया गया था, जहां सजा का आधा वक्त गुजर जाने के बुनियाद मानते हुए लालू यादव को जमानत मिल गई। उनकी बेल ग्रांट हो गई है और 10 लाख रुपया उनको फाइन जमा करना है और किसी तरह का कोई कंडीशन नहीं। सर आप लोग ने हाफ सेंटेंस का प्ली जो प्रीवियस केस में लिया था वही प्ली इस केस में भी लिया था। टोटल करीब 42 महीना हमारा हो गया था इस केस में कस्टडी पीरियड, उसको कंसीडर करते हुए कोर्ट ने बेल ग्रांट किया। सीबीआई ने पोस्ट किया कि आधा सेंटेंस नहीं हुआ है, दलील को नहीं माना और हमारे दलील को मानते हुए सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस कर दिया। जमानत मिल गई है क्या? सबसे पहले हमें बताएं सबको, मिल गया जमानत, कितने खुशी की बात है। तो खुशी की बात है, आज इफ्तार पार्टी भी है, इफ्तार पार्टी आप लोगों को खिलाया भी जाएगा। पहले से ही बोलते आ रहे हैं क्योंकि हम लोग को न्याय पे भरोसा था, माननीय उच्च न्यायालय पे पूरा विश्वास था और बोलते थे कि हम लोग को माननीय उच्च न्यायालय से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को न्याय मिलेगा, क्योंकि गरीब दलित पिछड़ों आदिवासी दबे कुचले का नेता है, सबका आज तक उन्होंने कल्याण किया, किसी का अहित नहीं किया है। पुराने मैटर्स में यूनिफॉर्म यार्डस्टिक का जो कोर्ट ने पुराने मैटर्स में यूनिफॉर्म यार्डस्टिक पे हमें सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एंड बेल दिया था, उसी का आधार बनाया था, मेडिकल ग्राउंड्स भी आधार में थे, ये सारे आधार को कोर्ट ने कंसिडर करते हुए हमें आज सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस और बेल ग्रांट हुई है।